हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑयल पेंटिंग एंड मटेरियल्स ऑयल पेंटिंग के लिए सबसे पहला जो मटेरियल हमारे पास आता है कैनवास कैनवास आप कैनवास बोर्ड भी ले सकते हो कैनवास स्ट्रेच भी ले सकते हो और कैनवास रोल भी ले सकते हो मेरे पास अभी यहाँ पे कैनवास का एक स्क्वायर में है और स्ट्रेच्ड कैनवस है तो स्ट्रेच कैनवस कैसी होती है अगर हम बैक साइड से देखें तो उसमें एक वुडन का फ्रेम लगा रहेगा जिसको हम स्ट्रेचिंग स्ट्रेचर बार्स बोलते हैं स्ट्रेचर भी कई तरह के होते हैं जिनमें आपको जहाँ पे लॉक करने के लिए मिल जाएगा जो कि कैनवस टाइट करने के लिए लॉक्स होते हैं लेकिन इसमें क्या है ये फिक्स्ड कैनवा फिक्स्ड स्ट्रेचर है तो इसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है सारा कुछ और पिंस के साथ में टाइट किया हुआ है जो कैनवस रोल होता है उसमें आपको हाँ लूज़ रोल मिल जाएगा जिसमें आप कट करके जैसे कि ये है तो उसमें आप पीसेस कट करके कोई भी साइज़ जो है कैनवस का यूज़ कर सकते हैं और कैनवस में रॉ कैनवस आती है लिनन आता है जो कि प्राइम्ड कुछ प्राइम्ड होते हैं कुछ अनप्राइम्ड होते हैं प्राइम्ड में आपको मिलेगा जिसका सरफेस वाइट रहेगा वो कैनवस प्राइम्ड है प्राइमर इसका कैसे आता है प्राइमर आपको जैसो मिलेगा जैसो जैसो की जो डिटेल्स हैं वो मैंने पोस्ट में भी डाली हुई हैं और कैनवस पे कैसे अप्लाई करना है उसका यूट्यूब का भी लिंक दिया हुआ है तो जैसो क्या चीज़ है जैसो और टेक्सचर वाइट इन दोनों में डिफरेंस क्या है जो टेक, जैसो है इसमें मार्बल डस्ट रहती है जो कि कैनवस का जो टेक्सचर होता है जो रॉ कैनवास होती है उसका जो ग्रेन्स होते हैं उसको फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स फिल तभी करते हैं जब हम रियलिस्टिक वर्क करना होता है या फिर हमको कैनवस पे स्मूथनेस चाहिए आ, हमारा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एब्स्ट्रैक्ट वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल जो रॉ कैनवस है उसको एज एट इज़ यूज़ कर सकते हैं और उसमें ऐसा ज़्यादा अप्लाई करना कर जैसे ये वाला जो कैनवस मेरे पास है इसमें जैसो की ऑलरेडी कोटिंग लगी इसमें प्राइमर की ऑलरेडी कोटिंग हो रखी है और ये वाला जो कैनवस है इसको मैंने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा स्मूथ करा हुआ है इसमें आपको ग्रेन्स वाले जो हैं अलग अलग एक मीडियम ग्रेन्स वाला मिल जाएगा हाई ग्रेन्स वाला मिल जाएगा और फाइन ग्रेन्स वाला ऐसे तीन टाइप का मिल जाएगा कैनवस इसमें एक्स्ट्रा फाइन भी आता है तो आप अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी आप यूज़ करना चाहो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैनवस खरीद सकते हैं अगर आपके पास रॉ कैनवस है जिसमें मीडियम ग्रेन्स हैं तो उस पर आप जैसो अप्लाई करके चाहे तो आप ब्रश से अप्लाई करो चाहे आप पुट्टी ब्लेड से या नाइफ से आप अप्लाई कर सकते हैं जो पेंटिंग नाइफ्स होते हैं तो उससे आप जैसो अप्लाई कर सकते हैं अब बारी आती है ब्रशेस की तो मेरे पास जो ब्रशेस हैं ऑयल पेंटिंग के लिए इनमें आपको सिंथेटिक आ, कुछ एनिमल हेयर और आपको हॉग हेयर के ब्रशेस मिल जाएंगे जिस सभी का जो यूज़ है वो सभी का अलग अलग यूज़ है तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह के ब्रशेस से आप करेंगे अगर टेक्सचर चाहिए तो आपको हार्ड जो ब्रिसल्स वाले ब्रशेस हैं उनका यूज़ करना है तो उसके बारे में भी हम जो डिटेल में बात करेंगे कैसे कौन से ब्रश से कैसा रिज़ल्ट आता है सभी ब्रशेस के अलग अलग रिजल्ट मिलेगा हमको तो मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ हॉक हेयर वाले हॉक हेयर के जो ब्रशेस ब्रशेस हैं मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ जहाँ पे ऑयल में ऐसा है कि हम लार्ज एरिया से और शॉर्ट में आते हैं तो जो लार्ज साइज़ के ब्रशेस हैं उनको अगर हम बैकग्राउंड में जैसे हमको कुछ रॉ टेक्सचर दिखाना है उस उनके लिए यूज़ कर सकते हैं तो बड़े साइज़ से धीरे 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 हम हमारे जो ब्रशेस का साइज़ है वो कम होता जाएगा जैसे कि डिटेल्स करनी है तो उसके लिए हम बड़े ब्रश से पहले हम बेस कवर करेंगे बेस एरिया कवर करेंगे उसके बाद में हम धीरे धीरे क्या है कि छोटे से छोटा जो डिटेल जैसे ये ब्रश की टिप आप देख सकते हैं या फिर आ, ऐसे फाइन ब्रशेस हैं तो उनकी हेल्प से हम डिटेल डिटेल्स में आते हैं और हॉक हेयर यूज़ करने का एक बेनिफिट है जो कि ऑयल पेंट्स होते हैं वो इजीली कैनवस के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और ब्रश में इतना ज़्यादा स्टक नहीं होते हैं अगर सिंथेटिक यूज़ करो और कोई ब्रशेज यूज़ करते हैं तो उनमें क्या है कि वो कलर्स छोड़ते नहीं हैं कैनवस के ऊपर आप घिसते रहेंगे तो उससे और ज़्यादा रिजल्ट फाइन नहीं आ पाता है तो इनसे मतलब स्मूदनेस आती है और सॉफ़्ट टेक्सचर आता है और अगर रफ़ टेक्सचर चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं तो उसका भी वे है कैसे यूज़ करना है तो ब्रशेस के बाद हमारे पास आ जाते हैं मीडियम्स टर्पेंटाइन और लिंसेड ऑयल। अब टर्पेंटाइन और लिंसेड ऑयल कैसे यूज़ करते हैं इसका भी मैंने वीडियो जो है यूट्यूब पे डाला हुआ है लिंक जो है आपको बायो में मिल जाएगा और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिंसेड ऑयल हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने कलर को स्प्रेड करते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो कलर का जो पिगमेंट्स रहते हैं कुछ पिगमेंट्स को ऑयल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ पिगमेंट्स को ऑयल की कलर बिल्कुल कम होती है तो उनके पिगमेंटेशन के हिसाब से हम जो कलर ऑयल्स हैं वो ऐड करते हैं ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट कलर है और हम उसमें ऑयल ज़्यादा ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा उसका जो है इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी तो कलर्स की इंटेंसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे और ट्रिपिनटाइन जहाँ पे लिखा रहता है कि ये ब्रश धुलने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो ये ब्रशेस आपके बिल्कुल एकदम टाइट जैसे होते हैं वैसा आपका ब्रशेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देगा ये तो आप अवॉइड करिए इसको ब्रशेस धुलने के लिए इसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे अब मेरे पास यहाँ पे ऑयल पेंट्स हैं ऑयल पेंट्स भी आपको काफ़ी क्वालिटीज़ में मिल जाएंगे जो कि आर्टिस्ट क्वालिटी में और स्टूडेंट क्वालिटी में आपको ऑयल पेंट्स मिलेंगे आर्टिस्ट और स्टूडेंट क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं इनमें आपको पिगमेंट्स जो होता है हर एक जो कलर ट्यूब है उनमें पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंटेशन पे ही कलर्स जितने भी हैं उसका बेस्ड रहते हैं अगर ब्रांड की बात करें तो ब्रांड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना कि आपका कलर पिगमेंट्स मैटर करता है स्टूडेंट क्वालिटी में आपको कलर पिगमेंट्स बिल्कुल कम मिलेंगे मींस कि उनकी जो इंटेंसिटी है आप देखोगे स्टूडेंट कलर्स यूज़ करेंगे तो आपको उसकी रिचनेस कम मिलेगी क्योंकि उसमें पिगमेंट्स की जो क्वालिटी होती है वो स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके सीखने के लिए उतना ही रखा जाता है तो अगर आप आर्टिस्ट क्वालिटी के कलर्स यूज़ करोगे तो उसमें आपको पिगमेंट्स हाई क्वालिटी के मिलेंगे ताकि आपकी जो कलर्स हैं उनकी इंटेंसिटी हाई और रिच रहे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आप नोट करें होंगे कि यहाँ पे सीरीज बी सीरीज बी और ब्लैक सा से स्क्वायर मिलेगा तो इन सब का क्या मतलब है जो पूरा ब्लैक टोटल ब्लैक आपको स्पॉट मिलेगा इसका मतलब होता है दैट कलर इज ओपेक कुछ कुछ कलर्स में अगर आप देखोगे जैसे कि ये कलर ट्यूब है इसमें पूरा वाइट है इट मीन्स दिस कलर इज ट्रांसपेरेंट और भी आप अगर कलर कुछ देखेंगे तो इसमें जो स्क्वायर है वो हाफ ब्लैक है हाफ वाइट है इट मीन्स कि ये जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट भी है और ओपेक भी है मींस सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक है तो इस तरह से जो कलर्स में आपको बी सीरीज़ मिलेगी वो वो डिफाइन करता है कि ये कलर्स आ, उसकी पिगमेंटेशंस के ऊपर ऐसे ए बी सी ऐसे सीरीज में आपको मिलेंगे तो इनका जो कलर की पिगमेंटेशन होती है उनके हिसाब से ये सारी डिटेल्स जो होती हैं आपको दी जाती हैं तो कैसे आपने कलर्स में ग्लेसिंग करनी है आप इसमें और दूसरा मीडियम्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते या फिर कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है तो वो ये सारा जो स्क्वायर है यही बताता है कि इसमें और कितना ऑयल ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आप उसके हिसाब से अपने कलर्स को कलर्स में ऑयल ऐड करिएगा और एक मीडियम लिक्विन लिक्विन हमारे पास आता है ऑयल कलर के लिए लिक, लिक्विन का यूज़ होता है कि जब हमारा जो कलर्स हैं कुछ लेयर हमको लेयर सप्लाई करनी होती है और उसके लिए हमको उ, उन लेयर्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है जैसे कि बेस लेयर करनी होती है अब बेस लेयर हम टर्पेंटाइन से कर देंगे तो तो भी वो जल्दी सूख जाएगा लिक्विन से कर देंगे तो भी जल्दी सूख जाएगा बेस लेयर इसलिए हम लिक्विन या फिर टर्पेंटाइन डालते हैं क्योंकि वहाँ पर हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ बर्न साइना या फिर बर्न टम्बर तो ये जो बेस में मैं कलर अप्लाई करता हूँ उसके लिए ट्रांसपेरेंट एक उसकी जो थिन लेयर होती है वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ तो इन कलर्स को यूज करने से मेरे को वैल्यूज और ड्राइंग एकदम क्लियर विजिबल रहती है ताकि मैं आगे जाके उन पर और लेयर अप्लाई कर सकूँ तो लिक्विड जब हम कलर्स में अप्लाई करेंगे चाहे किसी भी कलर में हम अप्लाई करेंगे तो ये कलर को ट्रांसपेरेंट कर देगा और उसकी जो ड्राई करने की क्षमता है और ज़्यादा बढ़ा देता है तो आपका कलर जैसे सर्दियों में क्या है कि हमको मॉइस्चर बहुत मिल जाता है तो आ, रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमारा कलर जो है वो जल्दी नहीं सूख पाता तो हम लिक्विड यूज़ करके कलर को जल्दी सुखा लेते हैं कुछ कुछ लेयर्स में जैसे कि वाइट कलर जो होता है वो लाइट को बहुत आ, कह सकते हैं कि लाइट को बहुत कम ऑब्ज़र्व करता है जो ब्लैक कलर है वो लाइट को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा कि ब्लैक कलर सबसे जल्दी सूख जाएगा तो ऐसे ही जो पिगमेंट्स होते हैं कलर्स के फ्लेक वाइट हुआ टाइटेनियम वाइट हुआ आ, लेड uh, बाइट हुआ तो जितने भी वाइट कलर्स हैं वो सभी लाइट को बहुत कम ऑब्जॉर्व करते हैं तो उसकी वजह से हम जितने भी कलर्स में वाइट ऐड करेंगे तो वो उतना ही स्लो ड्राई करेगा हमारे वर्क को तो उसमें हम लिक्विन ऐड करके अगर सुखाते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा और टर्पेंटाइन अगर हम डालते हैं तो उसका क्या होता है कि जैसे कलर्स की इंटेंसिटी को कम कर देता है वो टर्पन टाइम से अगर हम जल्दी सुखाते हैं तो हमारा जो कलर है बहुत जल्दी सूख भी जाएगा लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो रिचनेस है जो ड्राई ड्राई सा लगेगा ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो ऑयल पेंटिंग है उसमें शाइन नहीं रहेगी एकदम से वो डिफ्यूज़ कर देगा उस चीज़ को तो इसलिए लिक्विड ही यूज़ कर सकते हैं अच्छा मीडियम है और भी आप मीडियम्स ऐड करके यूज़ कर सकते हैं सर तो कई बार कलर कलर पैलेट में ही सूख जाता है उसके लिए क्या कर सकते हैं देखिए जब भी आप कलर करें तो कोशिश करिए कि आप कितना काम कर करना है उस वर्क में वर्क के अकॉर्डिंग तो अगर आपने लॉन्ग टर्म वर्क करना है तो उसमें आप लिंसिड ऑयल मिक्स करके रख सकते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम देगा आपका कलर उससे जल्दी ड्राई नहीं होगा तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उस कलर्स को यूज़ करने के लिए और जब भी हम वर्क करते हैं तो प्रॉब्लम आती है ब्रशेस को क्लीन करने में अब ब्रशेस क्लीन करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कि ब्रशेस जो हमारे ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है कोई भी पुराना जैसे कप हो घर में पड़ा होता है उसके ऊपर मैंने जो चाय वाली छन्नी होती है तो वो मैं यूज़ करता हूँ इसको मैं ऐसा प्लेस करूँगा क्योंकि इसमें कंटेनर में आ, मैं लिंसिड नहीं इसमें मैं यूज करता हूं कैरोसिन ऑयल या फिर जो हार्डवेयर की शॉप पे आपको जो ऑयल मिल जाएगा क्लीन करने के लिए तो मैं आपको दिखा देता हूं तो मेरे पास वाला ऑयल है जो आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा तो आप बोल सकते हो कि जो इनेमल पेंट में मिक्स होता है तो वो पेंट चाहिए तो अभी जो ऑयल है वो मैं कंटेनर में डाल लेता हूं और उतना ही सरफेस के ऊपर रखना है जितना कि वो बस ऊपर से दिखना हो जाए इसको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है इसमें क्या होगा कि जब आप कंटेनर में अगर आप ये शनी यूज़ नहीं करते हैं तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिसएडवांटेज है जैसे कि आपने कंटेनर में ऑयल रखा और आप अपना ब्रश को क्लीन करना है ऐसे तो आप ऐसे नीचे से घुमाएंगे तो आपका देखोगे कि जो कलर नीचे बैठा हुआ है वो सारा आपके ब्रश के ऊपर चिपक जाएगा तो जब भी आप कलर अप्लाई करेंगे किसी दूसरे सरफेस के ऊपर तो जो कलर आपके ब्रश में चिपका हुआ है वो भी आपके कलर में मिक्स हो के आपका वर्क गंदा कर देगा एकदम से तो आप अगर हम मैं इस तरह से इसको प्लेस करके ये देखिए ब्रश को ऐसे घुमाऊँगा तो जितना भी ब्रश के अंदर कलर रहेगा वो सारा ही कलर बैठ जाएगा और मेरा ब्रश एकदम से क्लीन हो जाएगा इसको जेंटली ऐसे राउंड राउंड घुमाना है कोई भी आपका ब्रश खराब नहीं होगा आपकी ब्रश की टिप जो ख़राब नहीं होगी आपका ब्रश जो है एकदम से क्लीन रहेगा और आप ब्रश क्लीन करके फ्रेश एयर सॉरी फ्रेश कलर यूज़ करेंगे तो फ्रेशनेस आएगी आपके वर्क में भी तो आपको बस जेंटली ऐसे ही क्लीन करना है और दूसरी बात जब आप ब्रश को ऐसे क्लीन कर लोगे तो आपके ब्रश में ऑयल रहेगा अगर आप इसी ऑयल को आप कलर में मिक्स करोगे तो आपका कलर जो है वो एकदम से पतला हो जाएगा तो आपके कलर्स में डिफरेंसेस आ, आ जाएंगे तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ जो हाउस क्लीनिंग में हम किचन में पैड यूज़ करते हैं ये स्पॉन्ज का पैड होता है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा तो इसके ऊपर मैं ब्रश को ऐसे चलाऊंगा तो जितना मेरे ब्रश में ऑयल है एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ये पैड ऑब्जर्व कर लेगा इससे क्या होगा कि जितना एक्सेस ऑयल रहता है ब्रश में वो सारा पैड ऑब्जर्व कर लेगा और हमारा ब्रश एकदम से ड्राई हो जाएगा आप पैड भी यूज़ कर सकते हो और कोई भी रैग घर में कोई पुराना कपड़ा हो तो वो भी यूज़ करते हो लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि अभी देखिए कि ब्रश में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहा है और तो थोड़ा बहुत है तो वो इतना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर काम में अगर यूज़ भी करेंगे तो एकदम से मतलब ड्राई हो चुका है तो आपका ब्रश जो है नीट एंड क्लीन रहेगा उतनी ही नीट नीटनेस आपके वर्क में आएगी तो कोशिश करिए कि ऐसे मेथड यूज़ करिए दूसरी बात कि जब भी मैं कलर ऑयल्स यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसे कंटेनर में यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा कलर एक तो ऑयल ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है तो इसमें मैं जब भी ऐसे यूज़ करना हो तो एक दो ड्रॉप अपने कलर में डाल के जितनी मेरे को क्वांटिटी चाहिए होती है वैसे मैं यूज़ करता हूँ तो आप ऐसे इजीली ये सारी चीज़ें मार्केट में हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएंगी तो उसमें मिक्स कर सकते हो तो इसमें मैंने देखी ये दोनों को रखा हुआ है इसमें टर्पेंटाइन ऑयल है इसमें लंसेड ऑयल है क्योंकि जब हम डायरेक्टली इस बॉटल से यूज़ करेंगे तो हम कैप में कैप में डाल के यूज़ करते हैं तो हो सकता है ज़्यादा डल जाए या जा किसी में कम है इसमें क्या है कि आप एक एक ड्रॉप डाल के ईजीली और आसानी से आप यूज कर सकते हो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है बाकी मैंने सारी डिटेल्स यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं अगर आप जो आई जी टी भी, भी अपलोड कर दूंगा तो अगर कोई मिस कर रहा हो तो आप हाथ से भी ले सकते देख सकते हो दोबारा से वीडियो और पोस्ट में भी मैंने कैनवस के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में कलर्स के बारे में बताया हुआ है आप चेक कर सकते हैं जी ऑयल कलर यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो चलिए अभी डेमो दे देता हूँ आपको जी अभी तो हम इस पर वर्क करके देखते हैं गिम्मी गिम्मी लिटिल बिग टॉफ टाइम अभी आप एक प्रोसेस देख लीजिए तो बाक़ी जो बातें हैं फिर उसके बारे में देखते हैं तो कोई भी ऐसे कंटेनर ले लो पुराना उसमें जो बेस लेयर है बेस लेयर के लिए मैं बर्न टम्बर यूज़ कर रहा हूँ आप बर्न साइना और बर्न टम्बर कोई भी यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से तो अभी मैं बिल्कुल कम अमाउंट में जितना कि मेरे को इस सरफेस के लिए जो मेरे पास जो सरफेस है अभी ट्वेल्व 12, बाई 12 इंचेस का कानवस स्ट्रेचर है तो इसमें मैंने थोड़ा सा अमाउंट में बर्न टम्बर कलर ले लिया है अब मैं मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ट्रपेन टर्पेंटाइन भी यूज कर सकते हो और लिक्विन भी यूज कर सकते हो तो टर्पेंटाइन की हम क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे एकदम हम पतली सी लेयर हमने अप्लाई करनी है वाटर इज या सी बिल्कुल तो इसके लिए मैं सिंथेटिक सिंथेटिक ब्रश जो है वो यूज कर रहा हूं तो आप देखिए कि बिल्कुल पतला सा कलर जो बना लिया मैंने बेस कलर के लिए एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने वाइट सरफेस के ऊपर पहले ड्राइंग करी हुई है पेंसिल से अगर आपने पहले ड्राइंग कर ली है उसको आप फिक्सेटिव से फिक्स कर सकते हो जहाँ पे अभी मैंने कोई ड्राइंग नहीं करी है तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ड्राइंग करके वर्क करूंगा तो अगर आपने पहले से जैसे ग्रिड मेथड हो या फ्री हैंड मेथड हो किसी भी मेथड से आपने ड्राइंग पहले कर ली है तो आप उसको फिक्सेटिव या फिर हेयर स्प्रे से फिक्स कर लीजिए तो अपनी ड्राइंग फिक्स हो जाएगी उसके बाद हम जो बेस कलर बनाएंगे बेस कलर को अब देखिए कि एकदम वाटरी जैसा कलर है इसमें कोई भी ज़्यादा थिकनेस नहीं है तो कलर को आपने जस्ट ऐसे स्प्रेड कर देना है इससे क्या होगा कि जो वाइटनेस है सरफेस की वो कम हो जाएगी और जो भी आप वर्क करोगे उसके लिए एक वैल्यूज़ आपको अच्छे से मिल जाएंगी और ज़्यादा बेनिफिट इसमें रहेगा कि जब आपने ड्राइंग करनी हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा और कुछ वर्क्स में आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में एक अच्छा सा टेक्सचर क्रिएट हो जाता है जिसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि ब्रश स्ट्रोक्स दिखाने हों तो उसमें आप आप ब्रश स्ट्रोक्स दिखा सकते हो ऐसे अगर आपने कंप्लीट कवर करना है सरफेस को तो आप कंप्लीट कवर कर सकते हो तो ये एक लेयर मैंने लगा के इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रख देंगे ताकि हमारा जो सरफेस है थोड़ा वो ड्राई हो जाए तो जब भी हम कलर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो नेपकिन पेपर टिश्यू पेपर जो होता है उसकी हेल्प से हम ड्राइंग कर सकते हैं आपने क्या करना है इसको जस्ट राउंड में ऐसे फोल्ड कर लेना है और इससे भी आप ड्राइंग कर सकती हो नहीं तो सूखने के बाद आप किसी भी चाहे ब्रश से डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए या फिर कलर से आप किसी भी तरह से ड्राइंग कर सकते हैं अब इसमें करना क्या है ड्राइंग कैसे करनी है आपको कोई भी वर्क जो आप कर रहे हो उसकी हाइलाइट्स को देखना है जैसे कि जहाँ पे मैं स्फीयर बना रहा हूँ तो उसका जो हाइलाइटिंग एरिया है जहाँ पे मेरे को ज़्यादा हाईलाइट देनी है तो वहाँ पे मैं उसको हटा लूँगा ऐसे तो इससे क्या होता है कि कोई भी देखिए परफेक्ट नहीं है किसी के ड्राइंग में कुछ भी गड़बड़ हो गड़बड़ हो सकती है और ड्राइंग करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हम जो मिस्टेक्स हैं वो हम बिगिनिंग में ही क्लियर कर लेंगे तो जहाँ पे हम ड्राइंग जो कर रहे हैं तो जस्ट क्लियर uh, कर लेंगे कि कितना हमारा इस साइड से लाइट रह रही है और बाकी जो है उसको हम ऐसे ही इसी के साथ में एक्सेस जो ऑयल है उसी से हटा के हम ड्राइंग कर लेंगे तो ये मेरा एक्सपियर बन गया अब इसमें ये साइड मेरी डार्क थी तो इसको मैं ऐसे ही ब्रश से डार्क कर ले रहा हूं जहां पे शेडो है तो हम लाइट के अगेंस्ट शेडो वाला एरिया वो भी हम डार्क कर लेते हैं कुछ भी चाहे पोर्ट्रेट बनाना है या कोई भी कोई भी ड्राइंग हो सकती है तो आप बेस जो है बेस में आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं सभी का ड्राइंग करने का मेथड जो है वो अलग अलग हो सकता है तो आप ऐसा नहीं है कि कोई किस तरह से कर रहा है आप इस इसके साथ में कोई भी कैसे भी ऐसे टेक्सचर क्रिएट करना है तो टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक्सेस जो आप ऑयल हटाना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो इससे क्या है कि अलग अलग जो वेज हैं वो आप यूज कर सकते हैं और ब्रश से डायरेक्टली अगर आप ड्राइंग करना चाहते हो तो ब्रश से डायरेक्टली कलर लेकर आप जैसे कि ये मैंने ब्रश ले लिया और कलर जो है कलर आप बेस कलर लीजिए जो न्यूट्रल कलर होते हैं चाहे जैसे बर्न टम्बर हुआ बर्न साइना हुआ तो ब्रश से डायरेक्टली जो कलर है उसके साथ भी आप ड्राइंग कर सकते हैं और सर्कल बनाना है जहाँ कोई भी चीज़ बनानी है तो पहले आपने प्रैक्टिस क्या कर करनी है कि ब्रश को ऐसे पकड़िए और हवा में सर्कल बनाइए ऐसे हवा में सर्कल बनाते बनाते धीरे धीरे स्लोली आप कैनवस के साथ में टच करिए तो आपका सर्कल जो है एकदम से परफेक्ट बन जाएगा पहले हवा में उसको चलाना है और धीरे धीरे उसको अपने कैनवस के ऊपर टच करके आप राउंड राउंड चलाते रहिए तो आपका सर्कल बन जाएगा बाद में जो कहीं पे भी आपका रह गया तो आप ड्राइंग में उसको वर्क में आप क्लियर कर सकते हैं तो जी पहला जो हमारा स्टेप है वो यहां पे क्लियर हो गया इसका हम रफली वर्क कर लेंगे तो यहां पे मैंने कोई रेफरेंस वगैरह नहीं लिया जस्ट आपको समझाने के लिए वर्क कर रहा हूं तो ये तो सभी कोई भी आप वर्क ट्राई करोगे तो ये बेस है जो स्फीयर में कैसे हमने कलर्स वैल्यूज को समझना है तो उसके लिए एक बेस है ये और जो अभी मैंने कलर लिया है बर्न टंबर या फिर बर्न साइना ये ऐसे कलर हैं कि कोई भी कलर हो उसके साथ में ये मिक्स हो जाएंगे और आपका कलर कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कभी भी आपका कलर जो है गंदा नहीं करेंगे और ब्रश को कैसे चलाना है ब्रश जब हम कलर को अप्लाई करते हैं तब हम ब्रश की जो टिप है आप देखिएगा कि जब कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ब्रश की टिप को मैं ऐसे दबा लूँगा और जब कलर मिक्स करना है तब जो आगे वाली टिप है उसके साथ में ऐसे मिक्स करूँगा मैं इससे क्या होगा कि कलर आपका हटेगा नहीं जब आप ऐसे ब्रश करके कुछ ऐसे दबा के जितना ज्यादा आप प्रेशर दबा के कलर को अप्लाई करोगे तो आपका नीचे वाला कलर अप्लाई नहीं होगा वो निकल जाएगा जब हमने कलर अप्लाई करना है तो हमने ऐसे टिप दबा के जस्ट जेंटली ब्रश को ऐसे चलाना है और जब आपने कलर को मिक्स करना है तो जो आगे वाली टिप रहती है हम उस उससे हल्के हल्के कलर्स को लाइट में मिक्स करेंगे ऐसे और चाहे आप पोर्ट्रेट बना रहे हो चाहे कोई भी लैंडस्केप बना रहे हो लाइफ कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग है जी आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए अब ये जो सरफेस है ये राउंड में है तो आपका ब्रश भी ऐसे राउंड में ही चलेगा चाहे इस डायरेक्शन में चलाओ चाहे इस डायरेक्शन में चलाओ जो कि आपका राउंडनेस रहेगा सरफेस का अगर जहाँ पे हम ऐसे फ्लैट फ्लैट चलाएंगे तो उसमें कोई वैल्यूज नहीं आएगी तो ये ध्यान में रखिएगा अब जो मेरा नीचे वाला जो कलर है वो एकदम से सूख चुका है क्योंकि इसमें हमने टर्पेंटाइन मिक्स किया था और बैकग्राउंड को हमने डिफ्यूज़ करने के लिए तो ये हमको हेल्प करता है कि हम और लेयर अप्लाई कर सकें तो ऐसे ही सेम वे का है लिक्विन का यूज़ करने का तो अभी हम कलर्स जो होता है उसके लिए हम कलर ले लेते हैं तो मेरे पास प्लास्टिक की एक शीट है तो इसी पे मैं यहीं पे रख लेता हूँ ठीक है जहां पे मैं कलर मिक्स करूंगा ताकि कलर्स आपको मिक्सिंग में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए आप क्लियर विजिबल रहे तो हम ब्लैक एंड वाइट से ही शुरुआत करेंगे यहां पे मैंने कलर लिया है आइवरी ब्लैक कैमलिन के आर्टिस्ट क्वालिटी के सारे कलर्स हैं अब जहाँ पे मेरे पास दो वाइट कलर हैं वन इज फ्लेक वाइट और दूसरा मेरे पास है टाइटेनियम वाइट अब इन वाइट में भी डिफरेंसेस हैं जो फ्लेक वाइट है इसका रिजल्ट आपको येलोइश टोन में मिलेगा मतलब कि ये सूखने के बाद येलोइश हो जाता है और जो टाइटेनियम वाइट है ये ब्लूइश टच देता है तो हम वर्क के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाइट यूज कर सकते हैं इसमें आपको लेड व्हाइट में मिलेगा जिंक व्हाइट में मिलेगा अलग अलग आपको व्हाइट मिल जाएंगे अब ऑयल करने का क्या फंडामेंटल है कि आप या तो डार्क टू लाइट जा सकते हैं और या फिर मिडल टोन टू डार्क और यहाँ फिर लाइट तो हम मिडल टोन टू डार्क जाएंगे और फिर लाइट जाएंगे तो यहाँ पे पहले मैं मिडल टोन बनाऊँगा ये मैंने वो ब्लैक कलर टच करा है और उसमें मैं वाइट मिक्स करता हूँ तो ये मेरी मिडिल टोन रेडी हो गई है जहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है तो फिर हम कलर स्टार्ट करते हैं किसी को कोई डाउट है चलिए शुरू करते हैं अब यहां से मैंने कलर लिया अब अप्लाई कैसे कर रहा हूँ नहीं इसमें मैंने कोई भी ऑयल मिक्स नहीं करा कलर्स में जो डायरेक्टली कलर ट्यूब से निकाल के यूज कर रहा हूँ तो ऑयल की कहाँ पे जरूरत कैसे जरूरत पड़ेगी वो भी आपको बताऊंगा आप फर्स्ट लेयर में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लेयर उसकी देखिए इसमें ऐसा होता है कि वेट ऑन वेट वर्क करना है या वेट ऑन ड्राई करना है तो ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे उसमें पता चलेगा अब क्या है डायरेक्टली मैंने ट्यूब में से कलर निकाल के उनको मिक्स करके यूज कर रहा हूँ अब देखिए कि जब मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपना ब्रश एकदम से दबा के ऐसे चला रहा हूँ और जब मेरे को मिक्स करना है तो मैं इसकी टिप को ऐसे यूज करके स्प्रेड करूँगा कलर को तो इसका यही टेक्निक है यही आप टेक्निक जो है तो बैठा लीजिए कि जब भी आपने कलर अप्लाई करना है तो ऐसे ब्रश को दबा के चलाइएगा इससे क्या होगा कि जितना आपके ब्रश में कलर रहेगा तो सारा ही अप्लाई हो जाएगा और ये ब्रशेस कलर को इतना होल्ड नहीं करते हैं तो जल्दी ही जो अपना कलर है वो कैनवस पे अप्लाई कर देते हैं तो मैं जो ब्रश की टिप है उससे स्प्रेड कर रहा हूं क्योंकि जे एरिया मेरे को लाइट रखना है तो इस जगह पे मेरे को मैं ज्यादा कलर स्प्रेड नहीं करूंगा और जो अभी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो मिडल टोन टू हम मिडल टोन से वर्क कर रहे हैं सर ऑयल पेंटिंग शीट ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ कैनवास बोर्ड बिगनर्स के लिए और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऑयल शीट पे ट्राई करिए बोथ आर सेम तो आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो और पेपर कैसे प्रिपेयर करना है ऑयल पेंटिंग के लिए उसका मैंने एक ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पर डाला हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं ऑयल पेंटिंग के लिए कौन सा पेपर सही रहता है ऑयल पेंटिंग के लिए ऑयल शीट्स मिलती है, हैं मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उनसे उस पर ट्राई कर सकते हैं जी ऑयल शीट पर भी सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा सेम ही आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है सेम ही रहेगा ऑयल शीट पे भी ये तो हमारा मिडल टोन अप्लाई हो गया है हम मिडल टोन टू डार्क जाएंगे तो इसी कलर में हम ये जो ब्लैक है इसी में मिक्स करके हम डार्क उसकी वैल्यूज बनाएंगे ये मैं हॉग हेयर ब्रश यूज कर रहा हूं तो ऐसे ही ब्रश को अपने राउंड में ही चलाना है जैसे कि राउंड ऑब्जेक्ट है तो राउंड ही हम ब्रश चलाएंगे तो उससे वैल्यूज़ आपकी अच्छे से आएंगी जी बिल्कुल अगर आपको ऑयल शीट पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑयल बोर्ड कैनवास बोर्ड पे वर्क कर सकते हैं जो बेस कलर के लिए मैंने ऑयल यूज किया है वो बर्न टम्बर और टर्पेंटाइन मिक्स करके यूज किया है अभी जो ब्रश है जे मैं मोंगुल्स हेयर का ब्रश यूज कर रहा हूं इससे क्या होगा कि जो अगर आपको पैचेस नहीं चाहिए वर्क में स्मूथनेस चाहिए तो आप ड्राई ड्राई इसके ऊपर चला के उसको मिक्स कर सकते हैं ड्राई ब्रश को ही आप यूज करिए और आपका जो कलर है मिक्स हो जाएगा अगर आपको पैचेस नहीं चाहिए वर्क में और अगेन जैसे टिप उसकी यूज़ कर रहे थे टिप से ही मिक्स करना है नहीं ऑयल कलर जो हैं वो एक्रेलिक की तरह जल्दी ड्राई नहीं होते हैं एक्रेलिक कलर्स जो हैं वो रेजिन बेस्ड रहते हैं तो रेजिन केमिकल ही हैं और वो एयर कंटेंट में आके वो जल्दी ड्राई कर देते हैं तो आप देखिए कि मैं लेयर बाय लेयर वर्क कर रहा हूँ और मिक्स करते जा रहा हूँ साथ के साथ में तो आप ब्रश ही ऐसे ही चलाइएगा आपके ब्रश चलाने के ऊपर ही सारा जो गेम है कि कितनी नीटनेस आएगी वो आपके ब्रश चलाने पे ही आएगी तो जैसे ही मैं राउंड ऑब्जेक्ट है और उसमें भी राउंड में ही ब्रश चला रहा हूँ तो ऐसे ही आप कोई भी सरफेस हो उसमें ऐसे ही वर्क करेंगे तो आपका फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा देखिए टाइम डिपेंड करता है आपके पिगमेंट्स के ऊपर अब जैसे ये डार्क एरिया है मतलब इसमें मैंने ब्लैक मिक्स करा हुआ है तो ये ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगा जितना डार्क टोन्स होंगी वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेंगे ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करने का मतलब कि ये जल्दी सूख जाएगा और इसमें अगर जो वाइट एरिया रहेगा जितना वाइट रहेगा वाइट जो कलर होता है वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता है तो वो टाइम लेगा ड्राई होने के लिए जी बिल्कुल आप अपने हिसाब से राउंड ब्रश यूज़ करिए फ्लैट ब्रश यूज़ करिए कोई भी ब्रश जो है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अभी नेक्स्ट ऑयल पेंटिंग के लिए सोचा नहीं है लेकिन एक वर्क में करने का ट्राई कर रहा हूँ तो अपडेट करता रहूँगा उसका को, आप सभी को वैल्यूज क्लियर विजिबल है क्लोजअप क्लोजअप में करूंगा इज दैट विजिबल टू एवरी वन ब्रशेस कैसे क्लीन करना है वो मैं बिगिनिंग में ही बता चुका हूँ अगर आपने मिस कर दिया है तो आप मैं आई जी टी अपलोड कर दूँगा तो आप दोबारा से देख सकते हैं तो जब भी वैल्यू चार्ट जो है जहाँ पे ये हमारा लाइटरिंग लाइट एरिया रहेगा मिडल टोन रहेगा और जहाँ पे हमारा शेडो रहेगा और जहाँ पे इस एरिया में रिफ्लेक्टेड लाइट होती है तो वो भी हम वर्क के साथ में ही कवर करते रहेंगे So 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 देखिये जब भी कोई भी वर्क आप स्टार्ट करना चाहो चाहे वो चारकोल में हो चाहे एक में हो चाहे पेस्टल में हो तो आप बजाय इसके कि कुछ बनाना है आप पहले मीडियम्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए आपको मीडियम्स के बारे में उनका नेचर कैसा है कि आ जो ऑयल कलर है इसका नेचर कैसा है वो पता चल जाता है जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं चाहे मान लीजिए स्ट्रेंजर है कोई तो स्ट्रेंजर से हम दोस्ती इजीली नहीं कर लेते हैं तो पहले स्ट्रेंजर को हम अच्छे से जानते हैं उनका नेचर कैसा है फिर ही हम उनसे दोस्ती करते हैं ऐसे तो किसी से करते नहीं हैं तो ऐसे ही कलर मीडियम से एक स्ट्रेंजर की तरह होती है सभी के लिए बिगिनिंग में धीरे 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 हम उनको जानना शुरू करते हैं कि ऑयल कलर का नेचर ऑयल बेस्ड है वाटर कलर का नेचर वाटर बेस्ड है एक कलर का नेचर वाटर बेस्ड है वो जल्दी से सूख जाते हैं तो ऐसे हर हर मीडियम का अपना ही एक नेचर है वो हेल्प करता है हमको समझने के लिए जैसे जैसे हम उनसे दोस्ती बढ़ाते जाते हैं मीडियम से तो वो हमारे समझ में आने लग जाता है अब जहाँ से मैंने वर्क करते इसके बाद में मैंने अपना ब्रश जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ब्रश क्लीन करना है जब भी हम लाइट कलर पिक करना है तो पहले मैं डार्क कलर यूज़ कर रहा था तो अगर हम डार्क ऐसे ही डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमारा वहाँ पे कलर जो है वो गंदा हो जाएगा तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कंटेनर में मैंने ऑयल लिया हुआ है कैरोसिन ऑयल कंटेनर में मैंने ब्रश ऐसे राउंड में चलाना है राउंड में ऐसे घुमाया और सारा ही जितना भी कलर है वो सारा निकल जाएगा और ब्रश बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा जितना भी कलर था इसमें से निकल गया है इसके बाद में जो मैंने पैड का बताया था कि स्पॉन्ज पैड आता है तो उसके ऊपर मैंने ब्रश को ऐसे रब करा और जितना ऑयल था वो सारा ऑयल पैड ने ऑब्जर्व कर लिया अब इसमें ना तो ऑयल रहा है ना ही इसमें कोई कलर रहा है ताकि मेरा कलर जो है वो गंदा नहीं होगा कहीं पर भी जाकर चाहे मैं वाइट सर्फेस देखिए यहाँ पे चला रहा हूँ वाइट सरफेस पे तो बिल्कुल भी इसमें कलर फंसा हुआ नहीं है अगर आप बिना कंटेनर में जैसे ये चन्नी के बिना से आप क्लीन करोगे आप नीचे ऐसे टैप टैप मार के क्लीन ऐसे कुछ लोग आदत होती है ऐसे ब्रश को क्लीन करना तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो एरिया रहता है मेटल वाला तो यहाँ पे कलर फंस जाता है और हमारे वर्क को ख़राब करता है गंदा कर देता है हमारा कलर कलर फ्रेश नहीं रहता है तो ये बातें ध्यान में रखनी है जब भी आपने काम करना है अब मैंने वाइट कलर लिया और वाइट कलर को जो हमने वैल्यूज बनाई हुई थी डायरेक्ट व्हाइट अभी नहीं लेना है तो अभी मैं सिर्फ डिफ्यूज कलर ले रहा हूं अब जो एरिया हाईलाइट का है वहां पे हम हाईलाइटिंग देंगे डायरेक्ट कलर उठा अपने के अपने कैनवस के ऊपर कभी भी नहीं लगाना है कलर को पहले अच्छे से सरफेस पे मिक्स करिए फिर ही आप कैनवास के ऊपर अप्लाई करिए अभी देखिए जो कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो टिप से अप्लाई भी कर रहा हूँ और साथ के साथ में उसको मिक्स करते जा रहा हूँ इससे पैच भी नहीं आएगा स्मूथनेस भी आ जाएगी और कलर मिक्सिंग भी अच्छे से हो जाएगी देखिए कैसे बिल्कुल अच्छे से कोई पैच नहीं है अच्छे से कलर मिक्स हो रहा है कलर कैसे ब्लेंड करना है कैसे मिक्स करना है डाउट रहता है सभी का तो ऐसे आप एकदम प्यार से ब्रश को चलाएंगे तो कलर इजीली मिक्स हो जाएगा पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस जितना आप रखेंगे उतना ही आपके काम में नीटनेस आएगी जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा तो ये हमारा वैल्यूज़ यहाँ पे और जहाँ पे जो हमने हाईलाइटिंग की रिफ्लेक्टेड लाइट की सॉरी बात करी थी तो जहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई कलर को पतला करने के लिए थिन करने के लिए आप अगर बैकग्राउंड में काम करना है तो टर्पेंटाइन यूज करिए नहीं तो आप लिक्विड यूज करिए तो यहां पे मैंने थोड़ा सा और व्हाइट लिया है और इसको ब्लेंड कर दिया अब जहां पे अगर शाइनिंग पार्ट है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट व्हाइट कलर उठा के जहां पे डॉट लगा के करेंगे तो सरफेस मैटर करता है अगर रफ सरफेस है तो उस पर लाइट भी जो लाइटनिंग होगी वो भी रफ सी आएगी इसे वो डिफ्यूज़ होगी और जब भी ऐसे कलर आपने करना है तो जो ब्लेंड करना है मान लो आपने कलर ऐसे अप्लाई कर दिया अब इसमें कलर बहुत सारा है तो उसको आपने डिफ्यूज़ करना है ब्लेंड करना है तो जो एक्सेस कलर है वो भी मैं इसी पैड के ऊपर ऐसे रब करके निकाल दूँगा आप ऐसे राउंड राउंड चलाइए ब्रश को और जितना एक्स्ट्रा कलर होगा वो सारा निकल जाएगा अब इस कलर को मैं हल्के हल्के ब्लेंड कर दूंगा तो इतना हमारा जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका है थोड़ा कैमरे में जो यहाँ का लाइटनिंग थी वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है तो मैं इसको लाइट कर देता हूँ एरिया को ताकि अच्छे से विजुअल रहे देखिए कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल इजी है आप पैनिक नहीं होइएगा कभी भी कलर गंदे हो जाएंगे ये हो जाएगा बस समझने की ज़रूरत है आप अच्छे से समझेंगे अच्छे से उसको वर्कआउट करेंगे पेशेंस रख के काम करेंगे तो आपको अच्छा सा रिजल्ट भी मिलेगा जी अब बिगिनर हो तो आप आर्टिस्ट ग्रेड के ही यूज करिए ताकि आपको इन आगे जाके परेशानी ना आए कम में या किसी भी रिजल्ट में तो ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हो तो आपको स्टूडेंट ग्रेड का स्टूडेंट ग्रेड का यूज करने हैं तो आप आर्टिस्ट क्वालिटी के भी यूज़ कर सकते हैं तो जहां तक हमारा जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया अब बात आती है बैकग्राउंड की तो जो लाइट एरिया रहता है उसकी बैकग्राउंड हमेशा डार्क रहेगी ये ध्यान में रखना है जो डार्क एरिया है उसकी बैकग्राउंड लाइट रहेगी जैसे ये डार्क एरिया तो इसकी बैकग्राउंड लाइट रहेगी और जो लाइट एरिया है उसकी बैकग्राउंड डार्क रहेगी जैसे स्टिल लाइफ करनी है तो उसकी बैकग्राउंड आ गई या फिर पोर्ट्रेट बनाना है उसकी बैकग्राउंड कैसे करनी है तो लाइट डार्क के साथ में प्ले करना है आप प्रैक्टिस कर आ, सर ऑयल में प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्या बनाना चाहिए आप ऐसे ही बेसिक शेप्स ले लीजिए स्टिल लाइफ करिए कुछ भी जो भी आपके सराउंडिंग में है आप ट्राई करिए अब जहाँ पे जिस एरिया में हमने वर्क करा है इसकी बैकग्राउंड जो है वो डार्क रहेगी तो मैंने डार्क कलर जहाँ पे लिया है इससे क्या होगा कि आपका जो वर्क है वो थ्री थ्री डायमेंशनल उसका व्यू देगा जैसे थ्री डी इफेक्ट बोलते हैं तो चाहे कोई भी वर्क कर रहे हो चाहे पोर्ट्रेट कर रहे हो स्टिल लाइफ कर रहे हो तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप है आपका देखिए कितना इजीली इसमें वर्क हो रहा है कोई भी इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है कोई डरने वाली नहीं है कि आपका वर्क कलर गंदा हो जाएगा जी बिल्कुल जो आई सी टी में मैं ये वीडियो डाल दूंगा तो आप जब चाहे मर्जी देख सकते हैं और आप सभी कोशिश करिए कि कोई एक वर्क आप इस टेक्निक में जो अभी हमने डिस्कस कराया है उसमें कोई भी कुछ छोटा सा है वर्क करके आप जरूर अपलोड करिए और टैग करिए ताकि मेरे को भी हेल्प मिले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है अब जहां पे लाइट एरिया था तो हमारी बैकग्राउंड डार्क आ गई और जो डार्क एरिया है उसकी बैकग्राउंड लाइट आएगी बस यही ध्यान में रखना है जो भी आप अपडेट्स होंगी वो आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके हम सारे सेशंस रखेंगे तो इस सीरी में डार्क के अगेंस्ट में हमने लाइट तो ज़रूर रख लें लेकिन जहाँ पे सिर्फ वाइट नहीं रख देना है तो मिडिल टोन में हम रखेंगे जे सेम चीज आप एक्रेलिक में, में चारकोल में ग्रेफाइट में ये सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं कि लाइट लाइट के अगेंस्ट लाइट के अगेंस्ट डार्क रहेगा और डार्क के अगेंस्ट लाइट रहेगा ये सारे ही यहां पे भी आप कोई भी मीडियम पिक कर लो तो ये बेसिक जो है वो सेम ही रहेगा सभी में ऑयल के साथ में वाटर का यूज़ करते हैं क्या जी बिल्कुल नहीं ऑयल अपना एक अलग मीडियम है ऑयल के साथ में कभी भी वाटर कलर नहीं वाटर नहीं यूज़ होता अभी हमारा जो वर्क है फाइनल हो चुका है अभी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है सर ऑयल के ब्रश एक्रेलिक के लिए यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अच्छे से जब आप ऑयल पेंटिंग करनी है तो ऑयल से जैसे मैंने के बताया जैसे कि इस कंटेनर में मैंने ऑयल का जो ब्रश है वो मैंने क्लीन कर लिया इसके बाद में इसका जो ऑयल का रहेगा इसमें ऑयल रहेगा तो इसके बाद में आप सोप से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए उसके बाद में आप एक्रेलिक लिए यूज़ कर सकते हैं और एक्रैलिक करने के बाद पानी से अच्छे से वॉश करके सोप से फिर से अच्छे से वॉश कर लीजिए इफ़ कोई पार्ट रिमूव करना हो तो क्या यूज़ करना चाहिए अभी जैसे जो एरिया है मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं और इसको हटाना है तो जो हमारा अगर वेट है कलर तो आप इज़ीली हटा सकते हो आपको टिश्यू पेपर लेना है और जहाँ से हटाना है वहाँ पे ऐसे रब कर दीजिए तो वहाँ का कलर जो है वो हट जाएगा ऐसे इजीली हट जाएगा वो या फिर आप पुराना कपड़ा को यूज़ कर सकते हो थैंक यू सो मच सूरज थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरी वन ऑयल शीट को रेडी कैसे करें उसके लिए मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल डाला हुआ है तो आप विजिट करके वीडियो देख सकते हो एनी डाउट नहीं बिल्कुल भी नहीं करिए यूज ऑयल शीट और कैनवस में डिफरेंस क्या होता है ऑयल शीट जो होती है वो पेपर ओबियसली नाम से ही क्लियर है कि वो शीट है तो पेपर रहेगा और कैनवस कैनवस कॉटन की भी कॉटन कॉटन फैब्रिक से फैब्रिक बनी होती है कॉटन में भी मिल जाएगी सिंथेटिक में भी मिल जाएगी तो इसका लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग है कैनवस पेपर आ, उसमें प्रॉब्लम्स uh, आ सकती है आपको प्रिजर्व करने में वर्क करने में लेयरिंग में कैनवस के ऊपर आपको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग है कई सालों तक आप इसमें काम कर सकते हैं चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशॉप में नेक्स्ट लाइव सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे थैंक यू सो मच एवरी शेयर करिए अगर अच्छा लगा हो और कोशिश करिए कोई भी छोटा सा वर्क करिए जिसमें आपको ये सब क्लियर हो जाए थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे